नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जीत जायसवाल आप सभी को अपने चैनल टारगेट इज पॉसिबल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में उन यूजर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आधार कार्ड का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में शुरू से बताऊँगा कि आप लोग कैसे आधार कार्ड का एग्ज़ाम देंगे, कहाँ से आधार कार्ड का जो एग्ज़ाम होता है किस वेबसाइट से होती है, ये जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद किससे संपर्क करेंगे तो आपका क्रेडेंशियल फाइल तत्काल बन जाएगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि सर आधार का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे स्टार्ट करें लोग, कैसे आधार कार्ड सेंटर खोलें लोग, ये जानकारी मैं कम्प्लीट रूप से इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप भी कुछ नया चाहते हैं सीखना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिए। और दोस्तों, जो नए यूजर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब का प्ले बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता हो तो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो यहाँ पे एक बेल का आइकन शो करता होगा, उस बेल के आइकन पे क्लिक करके आप सबमिट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लोग। दोस्तों, सबसे पहली बात, आधार कार्ड में अगर आप काम करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको एक सीपी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सीपी का एग्ज़ाम कैसे देंगे, उसमें क्या क्या योग्यताएँ मांगी जाती हैं, ये जानकारी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ। दोस्तों, अगर आप 8 पास हैं या फिर 10 पास हैं, आप सीपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप आधार कार्ड में काम कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप 8 या 10 तक पास हैं या फिर उससे ऊपर भी क्वालिफिकेशन है, उससे नहीं फर्क पड़ता है, आप सीपी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, रही बात सीपी सर्टिफिकेट होती क्या है, सीपी सर्टिफिकेट दो कंपनियां इसके लिए एग्ज़ाम कराती हैं। एक यहां पे वेबसाइट आप देख लीजिए icsi.cptest.com और दूसरी जो वेबसाइट है uidaianseitexam.com जो कि यहां पे आप देख रहे हैं। तो आप लोगों को शायद इसके बारे में पहले से ही पता हो, लेकिन ये जो नई सर वेबसाइट है ये भी काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये चलन में नहीं था तो आप लोग इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस पे भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और यहाँ इस वेबसाइट से भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में पूछे क्या जाते हैं, आपको आधार बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेमोग्राफी, बायोमेट्रिक और इसके रिलेटिव ही पूछे जाते हैं, एज प्रूफ इसके रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे कुछ सिलेबस भी हैं आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सिलेबस नहीं देखना चाहते हैं तो किसी आधार सेंटर पर जाइए, वहाँ पे 5 दिन रह लीजिए और उन पूरी प्रोसेस प्रक्रिया को आप बस जान लीजिए, आप आधार कार्ड का एग्ज़ाम मैं गारंटी देता हूँ आप सुपरवाइजर से पास हो जाएंगे। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम को देने के पहले की बात और बता दूँ, आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल हो सेम डिटेल आपको इस फॉर्म में फिलअप करना है ताकि क्रेडेंशियल बनाते समय आपको कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक यहाँ पे करके एक यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए इस पोर्टल को और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बेसिक स्टेप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए डाउनलोड चलान। तो पहले आपको यहाँ पर डाउनलोड चलान करना पड़ेगा और डाउनलोड चलान करने के बाद आप यहाँ पर इस वेबसाइट से आके आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, आपके मंडल में सेंटर पड़ेगा, आप अपना स्टेट चूज करिए, उस स्टेट पर देखिए कितने जगहों पे इसका एग्ज़ाम सेंटर है और जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपके करीब हो, आपके पास हो, आप वहाँ से वहाँ के लिए अप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जब चालान आपने जमा किया होगा उस चालान को, चालान का जो नंबर होता है वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा और सबमिट करने के बाद जब से ही चालान आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको डेट निकालने के लिए बोला जाएगा कि आप इस डेट में किस डेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो डेट खाली होगा उस डेट के हिसाब से आप वहाँ पे चूज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे आप लोग क्लिक करके पूरी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरा नेटवर्क बिजी है तो ये ऊपर नहीं हो रहा, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और जो दूसरी वेबसाइट है सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी वही है, आप लोग यहाँ पे एक न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा और इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा और फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँच के सफलतापूर्वक एग्ज़ाम दे के पास हो जाइए। और दोस्तों, पास होने के बाद आप लोग से मेरी यही आग्रह रहेगी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से
बात कीजिए अगर आपके पास CSC है तो। अगर आपके पास CSC नहीं है तो आपके अगल बगल में किसी फ्रेंड का या फिर किसी दोस्त का भी CSC है, उनसे बात करके उनसे अटैच करके आप क्रेडेंशियल बनवा सकते हैं। और आपको अगर आपको भी पता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर कहाँ से मिलेगा तो ये वेबसाइट है csc.gov.in। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए दोस्तों। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट का फेस आपको ऐसे दिखेगा, और कहीं ना कहीं इस वेबसाइट के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। जो नए यूजर्स से उनको अगर उनको नहीं पता है तो आप लोग इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का यहाँ पे नंबर दिया गया। आप इस लिंक पे क्लिक करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो मैनेजर होंगे उनसे बात कर लीजिएगा, या फिर वे अगर बात नहीं करते हैं तो आप लोग डायरेक्टली स्टेट मैनेजर से बात करके वहाँ पर कंप्लेन करके बात बोल दीजिएगा कि मेरा क्रेडेंशियल बनाना है, और वे आपका क्रेडेंशियल यहाँ से क्रिएट कर देंगे। और क्रेडेंशियल क्रिएट करने के बाद आप लोग आधार का काम चालू कर सकते हैं। दोस्तों जो भी बात मैं बताया इस वीडियो के माध्यम से, अगर इसमें भी आपको कोई सस्पेंस नजर आती है, कोई बात समझ में नहीं आती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि आपका आपको जवाब दूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।